welcome back to my channel. In today's video, finally we are doing Ramzan special Islamic wear haul. Ramzan आने वाला है, बहुत ही कम दिन बचे रमजान के लिए, तो रमजान में जो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, जैसे कि कीमर, प्रेयर ड्रेस और जिलबाब, अगर आप जिलबाब पहनने का सोच रहे हो तो अफोर्डेबल जिलबाब, सब कुछ बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है. मैं आपको इन डिटेल आज की वीडियो में रिव्यू देने वाली हूँ, तो एंड तक देखना. एवरीथिंग इज सुपर सुपर अफोर्डेबल. सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए. अब चलो आगे. सब लोग इतनी सारे पैसे खर्चे करते हैं अपने ड्रेसेस में, अपने घर पे, अपनी गाड़ी में एंड ऑल एंड ऑल, बट हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज विच इज़ प्रेयर ड्रेस. प्रेयर ड्रेस में हम लोग बिल्कुल खर्चा नहीं करते, तो इट्स रियली सैड. जब आप अल्लाह के सामने हो तभी भी आपको अच्छे कपड़े पहनने चाहिए ना, तो इसीलिए मैं सबसे पहले आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ प्रेयर ड्रेस विच इज़ अ मस्ट हैव. ठीक है, अगर आप भी मेरी तरह ऐसे वेस्टर्न ड्रेस पहनते हो हमेशा, ऑब्वियसली हर कोई अलग डिफरेंट होता है, प्लीज़ एक दूसरे को जज मत किया करो. ठीक है, हर कोई डिफरेंट होता है, हर किसी की तरबियत अलग होती है, बट एट दी एंड हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग अच्छे मुसलमान बने. तो कमेंट सेक्शन में हेट मत देना, मैं सिर्फ आप लोग के लिए यूजफुल वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ. सबसे पहले मैंने खरीदा है ये प्रेयर ड्रेस, जो कि ऐसे पाउच में मिल जाता है, इसके अंदर आप उसको रख के ट्रैवल कर सकते हो. ये हर किसी के लिए मस्ट हैव है, क्योंकि नो मैटर आप कैसे कपड़े पहने हो, उसके ऊपर आप जब ये प्रेयर ड्रेस पहन लोगे ना, तो पूरा आपको कवरेज मिल जाएगा. स्लीव में इसके इलास्टिक लगा है, प्रिंटेड आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रिंट आ जाता है. वाइट नहीं है, अगर आपको वाइट चाहिए तो वाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. वाइट वाला भी पहनने के बाद अच्छा लगता है, उसका भी वीडियो मैं साइड में लगा दूँगी. इनकेस आपको वाइट चाहिए तो आपको वाइट ओनली फॉर ₹350 मिल जाएगा. वाइट कलर का प्रेयर ड्रेस जिसमें सिर्फ मून स्टार बने हुए होते हैं, वो आपको 350 का मिल जाएगा. और ये जो प्रिंटेड प्रेयर ड्रेस होता है ना, फुल ऐसा, जिसमें यहाँ पे ऐसा इलास्टिक दिया गया होता है, आपको बस फिक्स करना होता है. यहाँ पे मैं पूरा ट्यूटोरियल दे रही हूँ. ये आपको ₹500 का पड़ जाएगा. मटेरियल इसका क्रेप मटेरियल आ जाता है, इसको आपको इस्त्री करने की कोई ज़रूरत नहीं, आयरन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रिंटेड है तो इसमें ना रिंकल्स ऐसे जल्दी पता भी नहीं चलते. और ये मटेरियल को बिल्कुल भी इस्त्री की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे तो मैं पूरा ट्यूटोरियल आपको दिखा ही रही हूँ, पर मैं आपको एक बार आपके सामने भी पहन के दिखा देती हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना ईजी है. जहाँ अजान हुई आपको बस वजू करना है एंड आपको बस ऐसे इसको डाल लेना है. ठीक है, एंड आप अपना स्लीव ऐसे लगा लिख हो गया. इट्स सो सिंपल, कोई भी साइज वाले इसको पहन सकते हैं, XL, XXL, स्मॉल, लार्ज, कोई भी पहन सकता है. बहुत ही ज़्यादा ये लूज़ आ जाता है और पूरा फुल है. ठीक है, इसका लेंथ बहुत ज़्यादा आता है. आई वुड प्रेफर कि आप इसका लेंथ मत शॉर्ट करना, क्योंकि सिर्फ नमाज पढ़ने के टाइम पे हम लोग ये पहनते हैं, इसको पहन के घर पे घूमते नहीं हैं. तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि इसको लंबाई रहने दो, पर अगर आपको फिर भी शॉर्ट करना है तो आप कर सकते हो. I loved it. Now let's move to our next. Next मैंने purchase की जिलबाब. बहुत ज़्यादा request आ रही थी कि जिलबाब का haul करो. तो लो भाई, हमने भी कर लिया जिलबाब का haul. ये मैंने purchase किया है मीशो से. इसका color सब brown आ गया है, जैसा पिक्चर में दिखा था वैसा ही रिसीव हुआ है. इसमें ये 2-piece नहीं 3-piece जिलबाब है. इसमें आपको एक अलग से सा ये नकाब आ जाता है, देख सकते हो, नकाब आ जाता है, स्कर्ट आ जाता है, और इसका जो मेन हिजाब का ये है ये भी आ जाता है. पहनते कैसे पूरा ट्यूटोरियल मैं यहाँ पे दे दूँगी. नकाब और स्कर्ट तो मैं यहाँ पे आपको वीडियो में दिखा दूँगी अभी. मतलब स्कर्ट इसका को देखो ऐसे आ जाता है. यहाँ पे इलास्टिक दिया गया है, ये 2-piece से नीचे से आपको ये स्कर्ट पहनना होता है, और पूरा जिलबाब वगैरह पहनने के बाद में आपको ये नकाब लगाना होता है. सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इसका ये जो हिजाब पार्ट आता है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. यहाँ पे मैं वीडियो दे रही हूँ कैसे पहनते. इसकी स्लीव में इलास्टिक दिया गया है. इसका जो मटेरियल है ना, ये एकदम वो सैटिन जैसा मटेरियल है. इसको मैंने यहाँ पे आयरन करके पहनी हूँ, तो इसको रिंकल्स पड़ते हैं इसमें, इसको मैं आपको आयरन की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी जिलबाब में. पर मटेरियल क्वालिटी इज़ नाइस, नीदा मटेरियल आ जाता है, पर ऐसा सैटिन फिनिश है.
देख सकते हो एक चमक है इसमें, अलग ही एक चमक आ जाती है वो, जो कि अच्छी बात है। और एक और चीज़ आप देख सकते हो इसमें ना, या इसमें अलग से कोई जो अंदर से जो थ्रेड होते हैं ना छोटा थ्रेड, वैसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये बड़ा वाला थ्रेड ही है। इसको पीछे भी बांध सकते हो, आगे भी बांध सकते हो। अगर आप चाहो तो सिर्फ ये हिजाब का ये जो पार्ट है ना, ये भी पहन सकते हो। इसमें आपको स्लीव का कवरेज मिल जाएगा, पूरा कवरेज मिल जाता है नी लेंथ तक का, ये आपको अच्छा खासा कवरेज दे देगा, देख सकते हो यहाँ पे। बाकी आप स्कर्ट और नकाब भी लगा सकते हो अगर आपको और भी ज़्यादा कवरेज चाहिए। पूरा जिलबाब इन टोटल जब आप पहनते हो थ्री पीस, तो ये कुछ ऐसा लगता है, टॉप टू बॉटम ये कुछ ऐसा लगता है। मैंने इसको लाइक मैंने कैनवस शूज़, जो शूज़ है ना, शूज़ भी मैंने ऐड कर दिए एकदम फुल कवरेज वाला। और मैंने यहाँ पर बैग ले ली, टोट बैग, ये बैग भी मैंने मीशो से ली थी, ये बैग का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कैरी कर सकते हो। आई पर्सनली लाइक्ड इट, मैंने इसको जैसा पहना है पूरा ट्यूटोरियल यहाँ पे दे रही हूँ, प्लीज़ यहाँ पे देखते रहना, ठीक है। आई लाइक्ड इट, ये आपको बहुत सस्ते में मिल जाता है, अंडर 1000 rupees है ये, 930 या 940 rupees का मिल जाता है अकॉर्डिंग टू द प्राइस। जिलबाब इतना महंगा पड़ता है पर मीशो में इट्स रियली वेरी इनएक्सपेंसिव, सस्ता है। तो अगर अभी आप बिगिनर हो, अभी अभी जिलबाब पहनने का सोच रहे हो, तो आप मीशो से ट्राई कर सकते हो, यू गाइज विल लाइक इट। नाउ लेट्स मूव टू आर नेक्स्ट परचेज। नेक्स्ट मैंने परचेज क्यू खीमर, मुझे 839 rupees का दो जिलबाब खीमर मिल गया। इट्स नॉट जिलबाब, इट्स खीमर। यहाँ पे मैं कुछ पिक्चर्स लगा दूंगी, पिंटरेस्ट पे वगैरह आपने देखे रहोगे, ये इंडिया में ऐसा जल्दी मिलता नहीं है और जो भी ब्रांड्स इसको सेल करते हैं बहुत ज़्यादा महंगा रहता है। 1500 rupees का आपको ये खीमर मिल जाएगा, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव, पर मुझे ये मीशो पे दिख गया तो मैंने भी ट्राई कर ली। मटीरियल इसका शिफॉन आ जाता है। सबसे पहले मैं आपको ये वाला कलर पहन के दिखा रही हूँ, देख सकते हो वीडियो में जैसा पिक्चर में था वैसा ही रिसीव हुआ है, एकदम इस तरह ट्रायंगुलर शेप में आ जाता है ये। इसके आगे से आपको ना ऐसा लाइक थोड़ा सा थिक वाला स्ट्रैप भी मिल जाएगा और थिन वाला स्ट्रैप भी मिल जाएगा। थिन वाला भी मैं आपको दिखा देती हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। ऐसा थिन वाला स्ट्रैप भी मिल जाएगा। इसको समझाना इज रियली डिफ़िकल्ट, ये जो पोर्शन होता है ना इसको आपको अंदर बांधना होता है, ठीक है। ये जो पोर्शन है ये अंदर जाएगा, अंदर से यहाँ से आपको ऐसे बांधना होता है। यहाँ पे मैं जो बांधती हूँ ना वो मैंने अंदर से ऐसे बांधी हूँ, उसके ऊपर से फिर मैंने ये जो थिक वाला पोर्शन आता है इसको मैंने उसके ऊपर से डाल के फिर मैंने इसको आगे की तरफ नॉट बांधी हूँ। आप चाहे तो पीछे की तरफ भी बांध सकते हो। ओवरऑल पहनने के बाद में पूरा कवरेज देता है ये। आप चाहे तो अपने अबाया के साथ में, कोई ड्रेस के साथ में, मैक्सी ड्रेस, कोई ड्रेस के साथ में नहीं, या सब फुल जो गाउन वगैरह होता है उसके साथ में ये अच्छा लगेगा। आई लाइक इट। आप अगर आपको ऐसा हिजाब नहीं चाहिए, आपको हिजाब चाहिए पर वो फुल कवरेज दे, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। मैं पर्सनली ऐसे हिजाब्स पहनती हूँ, पर इफ़ यू वॉन्ट और ज़्यादा मॉडर्न और थोड़ा इस्लामिक वे में अगर आप ड्रेस करना चाहते हो, देन दिस इज़ द वेरी नाइस ऑप्शन। मटेरियल शिफॉन आ जाता है, शिफॉन मटेरियल है, मटेरियल क्वालिटी इसकी अच्छी है, कुछ भी सब विजिबल नहीं होता, अंदर से सब कुछ दिखता नहीं है। मैंने यहाँ पे ये जो अंदर मैंने हिजाब पहनी थी सब निकालने के बाद मैं आपको पहन के दिखा रही हूँ, पर मैं यहाँ पे अंडर कैप पहनी हूँ, ठीक है। अंदर मैं अंडर कैप हमेशा पहनती हूँ, उससे क्या होता है पता है, जो भी आपका हिजाब है खीमर है वो फिसलता नहीं है, ठीक है। तो अंडर कैप ज़रूर पहनना, और उसके ऊपर मैं ये पहन के दिखाई हूँ। इसके साथ में ये दूसरा कलर भी आ जाता है, 800 rupees का मुझे दो मिल गया है, मतलब एक एक खीमर आपको 400 rupees का पड़ रहा है, विच इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव। मुझे ये वाला कलर ज़्यादा अच्छा लगा और इसको मैंने अलग तरीके से बांधी हूँ, यहाँ पर मैं ट्यूटोरियल दे दूँगी। इसमें भी ये जो अंदर वाला स्ट्रैप होता है ना, इसको आपको अंदर से बांधना होता है, और ये वाला जो है इसको आप आगे भी बांध सकते हो, पीछे भी बांध सकते हो। इसका भी एकदम सा ट्रायंगुलर शेप में सा लेयर 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 आ जाता है फ्रंट पे, बैक पे। यहाँ पे मैंने वीडियो में ना इसको पीछे की तरफ बांधी हूँ, ठीक है, ऐसे बांधी हूँ। आप चाहे तो आगे भी बांध सकते हो, जैसा आपके फेस शेप पे अच्छा लगता है आप वैसे बांध सकते हो। और इसमें एक और चीज़ है जो मैं यहाँ पे आपको ट्यूटोरियल दे रही हूँ, इसमें कोई अलग से आपको नकाब पहनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कवरेज चाहिए तो आप ये जो है ना, ये वाला, ये जो छोटा सा स्ट्रैप आ जाता है ना थिन वाला, इसको आप यहाँ पे बांध सकते हो, ठीक है। आपको बस इसको ऐसे बांधना है। साइड में मैं ट्यूटोरियल दे रही हूँ, पर अंदर से कैसे दिख रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है मुझे, कैसे बताऊँ, पर यार पूरा मैं वीडियो लगा रही हूँ। ये ऐसे करने के बाद मैंने जो बड़ा स्ट्रैप है
उसको आगे से सिल के पीछे मैंने टाई की, तो मुझे नकाब का कवरेज भी मिल गया। आई होप आपको समझ में आ रहा है, पूरा वीडियो मैं यहाँ पे लगा दी हूँ, इससे अच्छा मैं एक्सप्लेन पता नहीं अब कैसे करूँ, पर आई होप आपको समझ में आ रहा है, पूरा फुल कवरेज मिल जाता है ये। एंड या दिस इज़ हाउ इट लुक्स। आई लव द क्वालिटी, शिफॉन मटेरियल आ जाता है। आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा डार्क कलर खरीदना, लाइट कलर मत खरीदना। लाइट कलर थोड़ा ट्रांसपेरेंट होता है, पर डार्क कलर इस नाइस। मैंने परचेस की हूँ फुल जिलबाब, ठीक है, ये फुल जिलबाब आ जाता है। इससे पहले जो मैंने आपको दिखाई थी वो थ्री पीस था, और ये वन पीस आ जाता है, ये टॉप टू बॉटम एक ही आ जाएगा। इसको भी उसी तरीके से बांधते हैं, ठीक है। यहाँ पे अंदर से आपको से छोटा थिन वाला स्ट्रैप आ जाता है, यहाँ पे थिक वाला जैसे मैंने खीमर में बताई थी, इसको भी आप वैसे ही बांध सकते हो। पूरा ट्यूटोरियल मैं यहाँ पे दे रही हूँ, इसमें कुछ ऐसा बात करने जैसा है नहीं। स्लीव में इसके भी इलास्टिक मिल जाता है, जिससे आपको अच्छा खासा कवरेज मिल जाएगा। मैंने ब्लैक कलर खरीदी आपको ये दिखाने के लिए कि आप ये बाहर भी पहन सकते हो, घर पर भी पहन सकते हो। मटीरियल क्वालिटी अच्छा खासा थिक मटीरियल आ जाता है, इसको अगर आप इसको ज़्यादा इस्त्री करने की ज़रूरत भी नहीं है। इट्स अ वेरी थिक मटीरियल, बहुत अच्छी क्वालिटी का मटीरियल है। जितने भी मैं आपको प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ ना, सबका मटीरियल इज़ वेरी डिफरेंट, एक ही मटीरियल नहीं आता है मीशो में। और इसकी एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी पूरा पहनने के बाद, तो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। आप इसको नकाब इसी से आप नकाब भी लगा सकते हो, पूरा वीडियो मैं यहाँ पे दे दूंगी। एक चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगी वो है, जब आप ऐसा हाथ उठाते हो ना, तो पूरा नीचे से जो जिलबाब है ये ऊपर उठ जाता है, जो कि बहुत बुरा लगा मुझे। कि लाइक मैंने सोची थी कि इसको मैं नमाज के टाइम पे भी यूज़ कर सकती हूँ, बट नहीं, इसको मैं नमाज के टाइम पे नहीं यूज़ कर सकती हूँ। ये कहीं बाहर आने जाने में ही यूज़ होएगा, घर नमाज के लिए ये बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है। जिलबाब सिर्फ कहीं जाने आने के लिए है, आप उमरा करने जा रहे हो, कहीं आने जाने में ठीक है, पर मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगी नमाज के लिए। क्योंकि आप जब ऐसा हाथ उठाओगे ना, अल्लाह ऊपर जैसे बोलोगे, जब हाथ उठाओगे तो पूरा एकदम ऊपर हो जाएगा ये, तो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। अदर देन दैट एवरीथिंग इज़ रियली नाइस। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये मुझे बहुत सस्ते में मिल गया, 700 या 600 का पड़ गया, आई लाइक्ड इट। तो या और एक और प्रेयर ड्रेस है, बट दिस इज़ वेरी डिफरेंट। ये पिंक कलर का मैंने परचेस की हूँ, ये लाइक्रा मटेरियल का आ जाता है। जब मैं ये परचेस कर रही थी, मैं इतना डर रही थी, पर इतना अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं ट्यूटोरियल दे दूँगी। इसमें आपको टू पीस मिल जाएगा, एक आ जाता है इसमें हिजाब, ठीक है। इसके हिजाब में इलास्टिक लगा हुआ है, तो ये एकदम आपको प्रॉपर बैठेगा। और फिर आ जाता है इसका अबाया जैसा आ जाता है, जिसको आप अलग से अबाया जैसे भी यूज़ कर सकते हो, और दोनों जब आप साथ में पहनोगे तो कुछ ऐसा लगेगा। साइड में मैं पूरा ट्यूटोरियल दे रही हूँ, इट्स वेरी वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो एकदम लूज सा आ जाता है, ऑल्सो इसके अंदर से ना आपको ऐसा मटेरियल मिल जाता है, जिससे आप चाहे तो अंदर से गांठ बांध के ना टाइट भी कर सकते हो, पर मैं वैसा टाइट करके नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि ये प्रेयर ड्रेस की तरह ही मैं यूज़ करना चाहती हूँ। इसको सब बॉडी हगिंग नहीं बनाना चाहती हूँ, इनकेस अगर आप लोग को किसी को वैसा अंदर से सब बांधते ना, वैसा बांधना है तो अंदर स्पेस है, बट आई वॉन्ट रिकमेंड, और मैं ये चीज़ प्रमोट भी नहीं करूँगी, इसीलिए मैं इसको कुछ इस तरीके से ही पहन रही हूँ, जैसा मैंने सोची थी, जैसा मुझे पिक्चर में दिखा था। तो लाइक्रा मटेरियल आ जाता है, लाइक्रा मटेरियल मतलब रबर का कपड़ा, एकदम ऐसे में बॉडी को स्टिक हुआ रहता है। पर मैंने जब पहन के देखी मुझे अच्छा लगा, क्योंकि इसके ये ऐसा मटेरियल बहुत लोगों को पसंद आता है, इसको इस्त्री की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, पर ये पहनने के बाद में ये बहुत ज़्यादा लूज है। साइड में वीडियो लगा दूंगी, एकदम लूज सा आ जाता है। इसके ये फ्री साइज है, सबको आ जाएगा, हर मोटे हो, दुबले हो, पतले हो, कैसे भी हो, सबको आ जाएगा। पर इसके ऊपर जब ये हिजाब आता है ना, तो एकदम फ्रंट बैक कवरेज मिल जाता है, तो ऐसा कुछ बिल्कुल भी टाइट नहीं रहेगा, और आपको अच्छा कवरेज भी मिल जाएगा। आई लाइक्ड इट, आप बताना आपको कैसा लगा। या इसमें आप चाहे तो ऐसा कवरेज भी ले सकते हो, ठीक है। पूरा इसको अबाया की तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, प्रेयर ड्रेस, अबाया, गाउन, हिजाब, हर तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो, 4-in-1 आ जाता है ये। तो आई लाइक्ड इट, इसमें इतने सारे कलर अवेलेबल है। अगर आप ब्लैक कलर लेते हो ना, तो आपको सब चीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाएगा। मैंने ये कलर परचेस किया, देख सकते हो, चेस्ट के नीचे तक का, इतना पीछे यहाँ पर से बैक कवरेज तक का मिल जाता है। आई लाइक्ड इट, आप बताना आपको कैसा लगा। इसका भी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये थोड़ा सा महंगा है, ये 700 rupees का पड़ जाता है, पर उतना ही ज़्यादा यूज़फुल है, आई वुड हाईली रिकमेंड। लेट्स मूव टू आवर सेकंड
सेकेंड लास्ट परचेज, सेकेंड लास्ट मैंने हिजाब ही ढूंढ रही थी तब मुझे ये दिख गया, विच इज शोल्डर हिजाब। मतलब अगर आपने कोई ऐसा मैक्सी ड्रेस पहने हो और आपको ऐसा हिजाब बांधना नहीं आता है, अगर आप हिजाब बांधते हो तो आपका हिजाब सीने पे रुकता नहीं है, मतलब ऐसा आपको कवरेज नहीं मिलता है, तो आप ये हिजाब ट्राई कर सकते हो। इसको कुछ इस तरीके से पहनते हैं, यहाँ पे मैं वीडियो लगा दूंगी, पहन के भी दिखा देती हूँ यार। इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल की कोई बात नहीं है, पहनना बहुत ईजी है। इसको बस आपको ऐसे पहन लेना है, इसका भी मटेरियल लाइक्रा आ जाता है, और यहाँ पे आपको दो ऐसा होल मिल जाएगा जहाँ से आपको अपने हाथ डालने हैं, और इसको आप कहीं काम पे जा रहे हो, कहीं बाहर जा रहे हो, बाजार जा रहे हो, आप इसको ऐसे पहन सकते हो, आपको ये एकदम कवरेज दे देगा। ठीक है, ये सब इस्लामिक वेयर है, ठीक है, इसमें आपको कवरेज मिल जाएगा, पीछे से भी कवरेज है, आगे से भी कवरेज है। आई वॉन्ट से कि दिस इज़ द बेस्ट वे टू ड्रेस, या फिर ये एक प्रॉपर वे है ड्रेसिंग करने का, पर जैसा अभी हमारे हालात है, सब लोग इतना हराम में इन्वॉल्व हो गए, सब लोग इतनी न्यूडिटी वाला ड्रेसिंग करते हैं, वो टाइम पे अगर आप थोड़ा सा भी हिजाब करने की कोशिश करते हो तो भी आपको उसका सवाब ज़रूर मिलेगा। कुछ लोग बोलेंगे कमेंट सेक्शन में कि ये फैशन है, बट अगर इससे कुछ भी थोड़ा सा भी छुप रहा है तो आई थिंक अगर आप भी ऐसे लेते हो और इतना सा भी अगर आपको ये कवरेज दे रहा है, आपको अच्छा मुसलमान बना रहा है, तो उसका सवाब मुझे मिलेगा। तो प्लीज़ हेट मत देना है। हाँ, लास्ट वीडियो में बहुत हेट मिला था, इसीलिए मैं इतनी सारी घड़ी घड़ी वही बात बोल रही हूँ। तो यार, साइड से आपको ये ऐसे मिल जाता है, गया है, इट्स नाइस। Now let's move to our last purchase. Last but not the least, lastly मैंने एक और जिलबाब परचेस की हूँ, पर ये टू पीस जिलबाब है। आपकी वीडियो में मैंने आपको वन पीस, टू पीस, थ्री पीस सारे ही जिलबाब दिखाई हूँ। दिस वन इज लगता है टू पीस जिलबाब। ये मैंने पिंक कलर देख के परचेस की थी, पिंक थी, थोड़ा सा डार्क कलर पर्पल जैसा कुछ कलर आया है मुझे, पर या इसके भी स्लीव में इलास्टिक लगा हुआ है, तो आपको स्लीव में एकदम कवरेज देगा ये, आप हाथ उठाओगे तो ऐसा हाथ ऐसा ढीला होकर निकलेगा नहीं। और बेस्ट थिंग, आप इसको जब ऐसा खींच के ऊपर कर सकते हो तो फिर आप इजीली वजू भी बना सकते हो, तो इट्स नाइस अगर आप उम्रा करने जाने का सोच रहे हो तो ये आपके लिए यूज़फुल हो सकता है, क्योंकि घड़ी घड़ी अगर आपको वजू करना होगा तो आप ऐसे खींच के ऊपर कर सकते हो, विच इज़ द नाइस थिंग। इसमें भी आपको ना ऐसे स्कर्ट मिल जाता है, ये ना आई थिंक लार्ज, ठीक है, लार्ज तक के लोग को आएगा, मीडियम लार्ज, क्योंकि इसमें इलास्टिक दी गई है, पर ये इलास्टिक बहुत ज़्यादा छोटा है, मतलब ये बहुत एक्सेल साइज वालों के लिए आई वोंट रेकमेंड। ये इतना ही खींच रहा है, और अगर आप ज़्यादा ऐसे खींच के पहनोगे मतलब तो आपको ना निशान पड़ जाएगा, क्योंकि इलास्टिक लगा हुआ है। तो ये मीडियम, स्मॉल मीडियम वाले लोग के लिए आई वुड प्रिफर दिस वन। पहनने के बाद में कुछ ऐसा लगता है, इसमें कुछ भी ऐसा बांधने वाला नहीं है। अगर आपको वो चीज़ समझ में नहीं आई है, अंदर से बांधना, बाहर से बांधना, वो चीज़ आपको बिल्कुल समझ नहीं आई है, तो आप ये ले सकते हो। तो ये भी सारे जिलबाब, जो सारी चीज़ मैं आपको जो दिखा रही हूँ, सब एक दूसरे से एकदम डिफरेंट है। मैंने टोटल आपको 7 या 8 प्रोडक्ट्स दिखाई हूँ, विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये भी जिलबाब ही है, ये भी आपको फुल कवरेज देता है, पर इसको पहनना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, आपको बस इस सर्विस लाइट करना है एंड दैट सिट। अंदर से इलास्टिक मिल जाता है, जिसके वजह से अच्छा आपको ग्रिप मिल जाएगा, और अगर आप चाहें तो इसको ऐसे करके ऐसे नकाब की तरह भी यूज़ कर सकते हो, तो इट्स ऑल अप टू यू। आई लाइक द मटेरियल क्वालिटी। इसको भी आपको आयरन करना पड़ेगा, वरना ऐसे रिंकल्स देखो, मैं दिखा देती हूँ आपको, नहीं तो इसमें ऐसे रिंकल्स दिखेंगे। तो जब भी आप जिलबाब पहनो तो आयरन करके पहनो। तो या दैट्स इट गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई रियली होप ये आपके लिए यूज़फुल रहेगा। अभी रमज़ान के लिए बहुत दिन बाकी है, मैंने थोड़ा पहले ही वीडियो अपलोड कर दी ताकि रमज़ान से पहले आप प्रिपेयर रहो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में रमज़ान डेकोरेशन, रमज़ान किचन फाइंड्स, ये सारी चीज़ों के ऊपर भी करने वाली हूँ, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल मिस नहीं करना। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड किए जहाँ पर आपको बेस्ट क्वालिटी के ड्रेसेस, फुटवेयर सब कुछ मिलेगा। सब मेरा वीडियोस, लास्ट वीडियोस चेक कर लेना, ठीक है। और आज के आउटफिट के बारे में बात करते हैं। ये मैंने टोक्यो टॉकीज से परचेस की हुई, ये सब ना लॉन्ग सा शर्ट जैसा आ जाता है, ठीक है, इसमें फुल कवरेज मिल जाएगा, ऐसे चेकर्ड प्रिंट आ जाता है, इसमें और भी कलर्स अवेलेबल है। ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, इट्स अफोर्डेबल, 600-700 ऐसा कुछ पड़ जाता है। अगर आपको ये चाहिए रहेगा तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट है, मीशो की तरह, मतलब ऐसा रैंडम
सस्ती वाला मतलब लो क्वालिटी वाला प्रोडक्ट नहीं है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, आई वुड हाईली रिकमेंड। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जब आप खरीदने जाओगे तो यूज कूपन कोड विशलिंग, तो आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, सो या गाइस दैट्स इट, नाउ लेट्स मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव, बाय।